अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ कौन सा है तो आपके दिमाग में टाइटैनिक जहाज़ का नाम आएगा। टाइटैनिक कभी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ हुआ करता था, लेकिन आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ सिम्फनी ऑफ द सी है। इस जहाज़ पर हर वो सुविधा मौजूद है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये फुटबॉल के मैदान से भी ज़्यादा बड़ा है। इसका वजन करीब 2,30,000 टन है। अमेरिका की रॉयल कैरेबियन क्रूज लिमिटेड कंपनी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज पेश किया है। आइए आपको बताते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। सिम्फनी ऑफ द सी इतना बड़ा है कि ये समुंदर पर तैरते किसी शहर जैसा लगता है। इससे पहले हार्मनी ऑफ द सी दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिम्फनी ऑफ द सी को बनाने में 3 साल का समय लगा। साल 1912 में डूबे टाइटैनिक क्रूज शिप 9 मंजिलों का था और उसका वजन 51,310 टन था। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप में 2,774 कैबिन हैं और इसमें 6,860 यात्रियों की जगह है। इतना ही नहीं, ये जहाज़ 2,200 क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा पर निकलता है। इस जहाज़ की चौड़ाई 215 फीट और लंबाई 1188 फीट है और इसकी रफ्तार 40.72 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जहाज़ पर सैर सपाटे के खास इंतजाम किए गए हैं। इस जहाज़ पर बच्चों के लिए वाटर पार्क बनाए गए हैं। इसके अलावा जहाज़ पर 10 मंजिला स्लाइडिंग भी तैयार करवाई गई है। जहाज़ के बीचों बीच सेंट्रल पार्क और इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाने के लिए बोर्डवॉक बनाया गया है। इस जहाज़ की कीमत 8,711 करोड़ रुपये है। इसमें दुनिया भर की तमाम सुविधाएँ मौजूद हैं। इस जहाज़ में मनोरंजन के लिए एयर हॉकी टेबल, पिंग पोंग टेबल, 85 इंच स्क्रीन वाला निजी सिनेमा घर, वीडियो गेम लाइब्रेरी, हॉट टब और लॉन्च भी है। जहाज़ में एक 8 डेक, कृत्रिम सर्फ सिमुलेटर, जिप वायर, आइस रिंग, छोटा गोल्फ कोर्स, चढ़ाई करने के लिए दीवारें और एक विशाल फुटबॉल कोर्ट भी है। जहाज़ पर पूल और स्पोर्ट्स जोन के अलावा सी स्पा, फिटनेस सेंटर, जिम और मनोरंजन के लिए थिएटर भी मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और क्या आपको पता है कि टाइटैनिक किस साल में डूबा था? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।